हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों ने हमारा फेस देखा होगा। आपको बहुत दिनों से विदाउट फेस के साथ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गांव चले गए थे तब से हम लोग विदाउट फेस के साथ में ही पढ़ा रहे हैं। और उससे पहले आप लोगों को बैठ करके पढ़ाते थे, क्योंकि स्टोन हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी हम ठीक हो गए हैं। तो अब आप लोगों के लिए इसी तरह से जैसे पहले आप लोगों को खड़े होकर के पूरे जोश और जुनून के साथ में पढ़ाते थे, तो फिर से आप लोगों के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोगों के लिए पढ़ाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए जिस टॉपिक का बहुत ही बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था, मैसेज पे मैसेज करते थे कि सर अब 27 जून का वेट नहीं होता है, अब 27 जून की जो क्लासेस हैं आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। तो अब वो क्लासेस हैं स्टार्ट हो गई, क्योंकि 27 जून भी आ गया है। और आई कार्ड आप कब मिलेंगे, वो भी आप लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो आई कार्ड है वो सभी के आज बन गए हैं, और आज ही सभी लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको 1 मिनट में आपका आई कार्ड मिल जाएगा। सभी की लिस्ट दिखाई जाएगी, अगर उसमें आपका नाम ना हो या फिर उसमें कोई भी एरर हो तो तुरंत मैसेज करिएगा, उस एरर को तुरंत ही ठीक कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए जब हमने विजन 365 पढ़ाया था, पीटी का पेपर आया था, तो उससे पहले तो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, तो हमने डिसाइड किया कि यूट्यूब पर आप लोगों के लिए 3 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर के आ रहे हैं, एक यूपीएससी और दूसरा यूपी और बिहार पीसीएस का। ओके, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से किस क्लास कौन सी क्लासेस हैं, वो क्या चलेंगी, सब कुछ सब विस्तार में 26 जून को बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आज हम आपको मैक्सिमम चीजें बता देंगे। ओके, तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ये हमारे 27 जून को बैच स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर लाइव क्लासेस चला करेंगे, पीटी और मेंस दोनों के लिए है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कि एक चीज आपको इम्पोर्टेंट बता दे, देखिए 3 मेंबर को हमने अभी 1-2 दिन वीडियो पहले एक प्रोवाइड कराई थी, जिसमें आई कार्ड हमने दिखाए थे। उनमें 3 मेंबर के लिए हम बोले थे कि आप लोगों को अपना फोटो सेंड करना है। उसमें जयंत तिवारी ने अपना फोटो सेंड कर दिया था, उनका आई कार्ड फिर से बन गया है, वो आज उनको सेंड कर दिया जाएगा। देखिए, ज्योति गिरी हैं और संजय कुमार हैं, इन दो लोगों के लिए अपने फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दे रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इसी पर सेंड कर देना है। ओके, और देखिए कुछ मेंबर हैं जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहां पर फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा था उनसे, तो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सारी डिटेल फोटो के साथ में सब कुछ लिख करके दिया था। लेकिन अब वो डिटेल बहुत नीचे चली गई है, हमको मिल नहीं पा रही, क्योंकि लगभग में 180 से ज्यादा लोगों ने मैसेज कर दिया है, तो हमें वो खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है कि वो नंबर कहाँ चले गए उन लोगों के। तो जो 2-3 लोगों ने मैसेज किया था, मतलब उस समय डिटेल सेंड की थी, वो सिर्फ हाई लिख दे, जिससे आप टॉप पर आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ही डिटेल सेंड की थी, और हम वहां पर डिटेल ऐड कर देंगे मैनुअली। आप लोगों से जैसा बोला गया था कि आपका आई कार्ड मिल जाएगा, तो आप लोगों का आई कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। परेशान नहीं होना है, बस आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर देना है। और साथ में देखिए आई कार्ड कैसे मिलेगा, तो आई कार्ड आप लोगों को अभी लिस्ट दिखाई जाएगी, उस लिस्ट को देखने के बाद ही आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसको देखने से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है। देखिए, आपको व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ एक मैसेज करना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम। ओके, बस 3 चीजें आपको लिख करके सेंड कर देना। और अगर आपने वही नंबर से आप मैसेज कर रहे हैं जो फॉर्म फिल करते वक्त व्हाट्सएप नंबर पूछा गया था, तो बस आपको हाई लिख देना है, तभी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप अदर व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आपको पिताजी का नाम भी बताना है, क्यों वो अभी आपको बता देंगे क्यों। ओके, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो लिस्ट है ये अभी हम आपको दिखाएंगे, और साथ में जो न्यू मेंबर है वो अपने आई कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। तो देखिए, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह से एक वीडियो मिल जाएगी, सेम थंबनेल होगा। ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करके भी आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर एक फॉर्म फिल करना है, जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। इस वीडियो में सविस्तार में सब कुछ बताया गया है, आप लोगों का भी आई कार्ड बन जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद 10 से 12 दिनों में आपका आई कार्ड बनेगा। ओके, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि बहुत सारे आई कार्ड हो जाते हैं, बहुत सारी डिटेल हो जाती है, तो बल्क में आप लोग के आई कार्ड बनाए जाते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने पहले सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया था उन सभी के बन गए। अब जो लोग इस वीक में और नेक्स्ट वीक में जो फॉर्म फिल करेंगे उनका फिर बाद में एक साथ में बनाया जाएगा। देखिए, जो 27 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसमें अभी 2 बैच आपके स्टार्ट होंगे, मतलब 2 घंटे की क्लास आपकी एक क्लास चलेगी, दूसरी क्लास आपकी 2 घंटे की चलेगी, यानी कि टोटल 4 घंटे की अभी क्लास चलेगी। और नेक्स्ट वीक से आपकी एक क्लास और बढ़ जाएगी, फिर करंट अफेयर की और क्लास आपकी चला करेगी, मतलब एवरी डे लगभग में 5 घंटे की क्लास चला ही चला कर किया करेंगे आपकी, यानी कि आप लोगों को अब फुर्सत नहीं मिलने वाली। जितनी मौज मस्ती करनी है 1-2 दिनों में कर लीजिए। कुछ आप लोगों के लिए बुक्स और नोट्स बताए जाएंगे, वो मार्केट से जाकर के खरीद लाइए। ओके, तो देखिए किस तरह से आपकी, देखिए पहला जो क्लास है वो आपका 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे चलेगा, और दूसरा क्लास है वो 6 बजे से 8 बजे तक आप लोगों का चला करेगा। देखिए, पहले हम
यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस डेली क्लास चलाने वाले थे एक एक घंटे की, लेकिन बाद में हमने सोचा एक एक घंटे की नहीं चलाएंगे, 2 घंटे की एक क्लास चलाई जाएगी। यानी कि वीक में 6 दिन आपकी जो क्लास होती है उसमें से 3 दिन आपकी चलेगी यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस पे आपकी क्लास चला करेगी, और नेक्स्ट 3 दिन है वो आपकी बीपीएससी पर क्लास चला करेगी। ये 2-2 घंटे पहले 1 घंटे चलाने के लिए थे, अब 2-2 घंटे की चला करेंगी, और देखिए ये कॉन्टिन्यूसली आप लोगों की चलेगी। इस तरह से यूपीएससी की आपकी कॉन्टिन्यूसली क्लास चलेगी। आपकी देखिए सब्जेक्टिव क्लास है वो 350 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, यूपी स्पेशल जो आपकी क्लास चलेगी वो 150 क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसी तरह से बिहार स्पेशल जो क्लास चलेगी वो आपकी 150 क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा जो टेस्ट है वो आपके 52 टेस्ट आपके एक साल में कराए जाएंगे, और होलीडे है 30 आपको छुट्टियां भी दी जाएंगी, मजे करिए थोड़ा सा एंजॉय करिए, तो 30 छुट्टियां भी एक साल में आप लोगों को दी जाएंगी। और इसके अलावा करंट अफेयर की 1 घंटे की क्लास डेली चला करेगी, मतलब लगभग में 300 से 350 घंटे करंट अफेयर भी आप लोगों को कराया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। और संडे के लिए डाउट क्लियरेंस सेशन और टेस्ट और अदर एक्टिविटी चलेगी। ये फैसिलिटी सिर्फ उन विद्यार्थियों को मिलेगी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और जिन लोगों का आई कार्ड बना है, वही हमसे जूम मीटिंग पर डिस्कशन कर पाएंगे, वही हमसे जुड़ पाएंगे, तो इसीलिए वो फॉर्म फिल कराया जा रहा था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फॉर्म के बारे में, और फॉर्म में क्या क्या मिलेगा, मतलब सॉरी आई कार्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज है उसमें, और किस तरह से आपको व्हाट्सएप पे ऐड किया जा रहा है, सब कुछ आप लोगों के लिए बताते हैं। किधर गया ये आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये आपको एक आपको आई कार्ड देखिए, फर्स्ट आई कार्ड आपको इधर किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका फोटो होगा, अभी आपको सभी लोगों के आई कार्ड दिखाई देंगे, एक मिनट रुकिए पहले बता देते हैं आई कार्ड में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको सबसे पहले फोटो देखने को मिलेगा, फिर आपका यहाँ पर नाम होगा, फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करता है वो हमें पता चलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए ये रोल नंबर है, ये सभी का यूनिक रोल नंबर होगा, किसी का भी सेम नहीं हो सकता है। फिर आपने फॉर्म में जो भी भरा होगा कि आप किस किस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने भरा है हम केवल उत्तर प्रदेश पीसीएस पढ़ना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस ही इसमें आया है, और ये किस मीडियम से, तो मीडियम लिखा हुआ होगा हिंदी मीडियम। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने फिल किया तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा, हिस्ट्री अगर नहीं फिल किया तो वहां पर 0 बन के आएगा। इसी तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी और आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी। देखिए इससे हमें बहुत सारी चीजें हमें पता चल पाएंगी, आप लोगों को ट्रैक कर पाएंगे, आप लोगों के अदर से ग्रुप बना पाएंगे, हमें पता चल पाएगा अच्छा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, 10 लोगों की हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप लोगों को अलग कर दिया जाएगा। अच्छा डेट ऑफ बर्थ से हमको पता चल जाएगा कि हाँ अब इतने मेंबर हैं वो 22 साल के प्लस, यानी कि ये लोग पेपर देंगे तो उन लोगों का ग्रुप अलग बना दिया जाएगा। जब जिस चीज की नीड होगी उस नीड के अकॉर्डिंग आपके एक्स्ट्रा ग्रुप बनाए जाएंगे बाद में। अभी तो आप लोगों को सभी लोगों को गर्ल्स का एक ग्रुप, बॉयज का एक ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा ग्रुप बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेंबर ज्यादा हो गए, तो अभी 3-4 ग्रुप चल रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम से आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा, वहां पर आपको न्यूज़पेपर और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी न्यूज़पेपर आप डेली आपको सेंड किया जाता है 10 बजे डेली आप लोगों के लिए दैनिक जागरण आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो इस तरह से तो देखिए पहला आपको ये देखने को मिलेगा जनाब, इनका भी बन गया है एडमिट कार्ड, तो सभी की लिस्ट देख लीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग फोटो देख लेंगे समझ जाएंगे हाँ ये हमारा है। और आपको व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के आपने अगर सेम व्हाट्सएप है तो आप लोग हाई लिख दीजिए, अगर आप लोगों ने वो जो फॉर्म फिल करते वक्त जो व्हाट्सएप नंबर पूछा गया था वो आपने दूसरा डाला है और हमें मैसेज दूसरे से कर रहे हैं तो आपको क्या क्या देना है, एक नाम देना है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ देना है, तीसरा फादर नेम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए नाम तो भाई यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देखिए नाम तो यहाँ पर ही लिखा है, डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर ही लिखी है, आप यहाँ से देख करके हमसे मांग ले नहीं, इसीलिए फादर नेम। ओके, तो फादर नेम जैसे ही मैच करेगा आप लोगों को आपका आई कार्ड मिल जाया करेगा। ओके, तो इसी वजह से फादर नेम एक्स्ट्रा यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि फॉर्म फिल कराते वक्त मदर नेम फादर नेम आपसे पूछा था, अगर आपने मदर नेम डाला हो तो मदर नेम हम सेंड कर दीजिए, फादर नेम डाला हो तो फादर नेम हमको सेंड कर दीजिए। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा देखिए। और हाँ, एक थर्ड बैच एक नया ग्रुप बनाया जाएगा व्हाट्सएप का, उसमें आपको जोड़ा जाएगा, और अगर हमारे और किसी ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं तो वहां से आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, या आप लोग खुद भी स्वयं जाके निकल जाइएगा, लेकिन अभी नहीं निकलना है, 27-28 के बाद आप लोग को वहां से निकल जाना है, बस एक ग्रुप है जो थर्ड ग्रुप होगा उसमें आप लोग को ज्वाइन रहना है, वहां पर ही आप लोग मैसेज भी कर पाएंगे। ओके, तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कौन सा था, दूसरा जो है वो राज यादव है, उनका भी बन गया है, उदय कुमार है, उदय कुमार प्रसाद है, उनका भी बन गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा आपका जैसे ही नाम है खुश हो जाइए, मैसेज कर दीजिए जाकर के, और जिन लोगों का नहीं बना है वो भी परेशान मत होइएगा। ओके,
उन लोगों का भी बन जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फॉर्म फिल कर देना है। क्लासेस आपको सभी को मिलेंगी, चाहे आपका आई कार्ड हो या ना हो। ये आई कार्ड से एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप लोगों को मिला करेंगी, जो हमने बताया है, जैसे कि टेस्ट हो गया, आपको न्यूज़पेपर हो गया, गाइडेंस हो गया, अदर चीजें हैं वो उसके लिए आप लोगों को भरवाया जा रहा है। ओके, इसी तरह से देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि नेहा कुमारी हैं, उनका भी यहाँ पर बन गया है। रूबी देवी है, उनका बन गया। सुमित कुमार है, उनका भी बन गया। हेमलता है, उनका भी बन गया है। विजय सिंह है, उनका भी बन गया है। बहुत सारे नाम है, अभी आप लोग देखते जाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। ओके, संदीप कुमार है, उनका भी बन गया। सुरजीत है, उनका भी बन गया। भारती है, उनका भी बन गया है। और आपको सूरज है, उनका भी बन गया है। खुशी कुमारी है, उनका भी बन गया। देखिए आप लोग इस तरह से अच्छे से आप लोग फोटो दिया करिए। ये नहीं मतलब ऐसे सेल्फी लेते हुए और बिल्ली वाले फोटो, वो नहीं देना है। आप लोग के आई कार्ड बनना है, इसलिए आपको पासपोर्ट साइज का आपका फोटो है, या फिर आप साधारण रूप में, साधारण मुद्रा में आप खुद से किसी से बोले कि हमारा एक अच्छा सा फोटो लेकर के वो लगाइएगा। ऐसे नहीं कि आप बाइक पे बैठे हैं, चाउमीन खा रहे हैं और फोटो सेंड कर दिए, ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखना है। स्मृति है, उनका भी बन गया। कविता यादव है, उनका भी बन गया। नेहा त्यागी है, उनका भी बन गया। अब देखिए, आप लोग डेली मैसेज करते थे, जैसे नेहा त्यागी है, ये भी डेली मैसेज करती थी। ओके, और जो जो डेली मैसेज करते थे, अब हमको पता चला, अच्छा ये उनके आई कार्ड है, उनके पास कौन सा ऑप्शनल है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब कुछ पता चल रहा है ना आप लोगों के बारे में, तो आप लोगों की और अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश से, तो ये एमपीपीसीएस भी देंगी, तो एमपीपीसीएस के और भी मेंबर होंगे, उन लोगों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग अपने नोट्स भी शेयर कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को और ज्यादा प्रॉफिट हुआ करेगा। यहाँ पर देवराज है, उनका भी बन गया है। गोरख प्रसाद है, उनका बन गया है। पूजा साहू है, उनका बन गया है। अजय कुमार है, उनका बन गया है। शिवानी, यहाँ पर शिवानी परमार है, उनका भी बन गया है। कुलदीप कुमार है, उनका भी बन गया है। पवन कुमार है, उनका भी बन गया है। दीपक कुमार, सोनू कुमार, पवन, तोयल, शीतल राय, हर्षा तिवारी, चेतन के, शुभम, जयंत तिवारी। देखिए जयंत तिवारी का फोटो हमारे पास, जो उन्होंने लगाया था वो ओपन नहीं हो पा रहा था, अब इन इनसे फोटो मांगा था, इन्होंने दे दिया, इनका बन गया है। दो लोगों ने अभी नहीं सेंड किया, वो लोग भी सेंड कर दीजिए। कोमल गुप्ता, और आप लोगों को बताए थे परसों, वीडियो दी थी कि दो लोगों के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने मजाक में एक ने एलन मस्क का फोटो डाल दिया, एक ने सिंघम का फोटो डाल दिया, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि मजाक बिल्कुल सेंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोमल गुप्ता आपको देखने को मिलेगा, और मानसी है वो भी देखने को मिलेगा, अवनीश यादव है, ओके, और विश्वजीत है उनका देखने को मिलेगा, राहुल है उनका देखने को मिलेगा, आदित्य सोनकर है उनका देखने को मिलेगा। आप लोग देखते जाइए, आपका फोटो आएगा, आप तुरंत पहचान जाएंगे अपना। ओके, यहाँ पर प्रसन्न पांडे है, उनका देखने को मिलेगा। अभी अभी अभिमन्यु है, उनका देखने को मिलेगा। पूनम कुमारी है, उनका देखने को मिलेगा। हिमांशी है, उनका देखने को मिलेगा। सर्वेश है, उनका देखने को मिलेगा। बबलू है, उनका देखने को मिलेगा। हंसबा है, उनका देखने को मिलेगा। प्रियंका है, उनका देखने को मिलेगा। सुमन शेखर है, उनका देखने को मिलेगा। उदित कुमार है, उनका भी है बन गया है। और यहाँ पर विक्की कुमार त्रिपाठी है, उनका भी देखने को। देखिए, जिनका बहुत ऐसा लंबा नाम होता है, इतना लंबा नाम मत डाला करिए, यहाँ पर बूट में जगह कम पड़ जाती तो एरर आ जाता है, वहां पर फिर आगे के आई कार्ड नहीं बन पाते, हमको काट काट के। वो खुद लिखते हैं सिंह चौधरी राय, मतलब इतना लंबा टाइटल क्यों लिख रहा है, अरे भाई एकदम चौधरी लिख दो, सिंह ही लिख दो। ओके, जैसे विवेक सिंह चौधरी राय, मतलब इतना लंबा लिखने का जरूरत है पूरे खानदान का, मतलब आप लोग, मतलब आप लोग छोटा नाम लिखा करिए। ओके, भले ही आपका नाम बहुत लंबा है, देखिए जब आप लोग फॉर्म भी फिल किया करेंगे तो वहां पर भी लिमिट होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, एक्स्ट्रा कहाँ लिखेंगे। ओके, तो जब भी आप लोग अपने बच्चों की भी एडमिशन करवाएंगे इन फ्यूचर, तो क्या करना है, छोटा नाम लेना है, क्योंकि भाई बॉक्स लिमिटेशन होती है फॉर्म के अंदर भी, वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको विवेक कुमार है, उनका देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और आपको योगेश कुमार है, उनका देखने को मिलेगा। शिवी है, ओके, रोशन कुमार है, उनका देखने को मिलेगा। अभिषेक है, फूलचंद है, सिमी यादव है, इंद्रेश है, सुनील कुमार है, काजल है, अभिषेक कुमार है, शिव कुमार है, ओके, सकीना है, उनका देखने को मिलेगा, और जयप्रकाश है, दीपिका है, और सुधांशु शेखर है, ऐश्वर्या ठाकुर है, ओके, और कन्हैया कुमार है, अमितेश कुमार है, मलाया है, सूरज सिंह है, मोनिका है, ओके, और सुधीकर सिंह है, ओ सॉरी सुधीकर नहीं, सुधाकर है उनका है, गायत्री है उनका आपको देखने को मिलेगा, सुमित है उनका देखने को मिलेगा, आरती का देखने को मिलेगा, दिव्या जैन का देखने को मिलेगा, कोमल सैनी का देखने को मिलेगा, रामबंत का देखने को मिलेगा, अंजू नेगी का देखने को मिलेगा, एमडी सहबाब कुमार, सहबाब खान का देखने को मिलेगा, सहबाब खान का देखने को मिलेगा,
शुभम जॉर्डन है उनका देखने को मिलेगा, गुंजन जोशी है उनका देखने को मिलेगा, उदय वीर है उनका देखने को मिलेगा, सुनील कुमार है उनका देखने को मिलेगा, अभिषेक आर्यन है उनका देखने को मिलेगा, तनिषा तोमर है उनका देखने को मिलेगा, नेहा शुक्ला है वो उनका देखने को मिलेगा, गिरीश है उनका देखने को मिलेगा, शशांक सेठ है उनका देखने को मिलेगा, गोपाल राठौर है, पवन कुमार है, संदीप कुमार है, गोविंद बघेल है, मोहम्मद आपको देखने को मिलेगा, अफरोज है उनका देखने को मिलेगा, अजय कुमार है उनका देखने को मिलेगा, रोहित है उनका देखने को मिलेगा, ये रुतपूर्णा है उनका देखने को मिलेगा, बड़ा खतरनाक इनका नाम है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, एक निकल गया क्या, एक गोपाल कुमार है उनका देखने को मिलेगा, पंकज है उनका देखने को मिलेगा, वो अविनाश कुमार है उनका देखने को मिलेगा, शुभम कुमार है उनका देखने को मिलेगा, रंजीत है उनका देखने को मिलेगा, अनुभव है उनका देखने को मिलेगा, राकेश साहू है और सत्यवीर है, अंजलि शर्मा है, चंद्र प्रकाश है। देखिए व्हाइट डेमो ने जो मैसेज करते हैं हमको पता चल गया जब फॉर्म फिल किए, देखिए सब चीज तो जान पहचान बढ़ती है, आप लोगों को देखते हैं कि अच्छा अच्छा ये है। अब वहां पर बॉट पे जो यूट्यूब होता है वहां पर किसी का कोई भी नाम होता है, जैसे लवर इंडिया होता है, गेमिंग एक्स वाई जेड होता है, व्हाइट डेमोन जैसे इनके चैनल का नाम है, तो हम नहीं पता कर पाते हैं कौन है, गर्ल्स है बॉय है, किसकी तैयारी करते हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं, कुछ भी नहीं। आप देखिए यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है इस तरह से। तो आप लोगों से और अच्छे से जुड़ाव हो पाता है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो यूपीपीसीएस का ये पेपर देते होंगे तो एक्स्ट्रा इनको फैसिलिटी देनी होगी वो दे देंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शनल इनके पास हो तो हिस्ट्री अगर और किसी लोगों के पास होगा, किसी के पास नोट्स होंगे तो एक्सचेंज करा दिए जाएंगे, इनसे पूछ लिया जाएगा। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रियंका है वो आपको देखने को मिलेगा, अंजीश है वो आपको देखने को मिलेगा, मंजीज और ए मनीष कुमार है वो देखने को मिलेगा, प्रियंका राघव है वो देखने को मिलेगा, सिंह हेमराज है वो आपको देखने को मिलेगा, रजत रजत कुमार शर्मा वो आपको देखने को मिलेगा, आदर्श शुक्ला आपको देखने को मिलेगा, अभिषेक गौतम आपको देखने को मिलेगा, अभिषेक कुंदन आपको देखने को मिलेगा, भावना यादव आपको देखने को मिलेगा, शुभम आपको देखने को मिलेगा, रविकांत आपको देखने को मिलेगा, संदीप कुमार आपको देखने को मिलेगा, विकास रंजन आपको देखने को मिलेगा, प्रीति शुक्ला आपको देखने को मिलेगा, राजदीप राजदीप दंगर आपको देखने को मिलेगा, ये दंगर शायद टाइटल होता होगा हमें तो पता नहीं है। ये कहाँ से है, गुजरात से है, हो सकता है उधर गुजरात में होगा। नमीन आपको देखने को मिलेगा, अरुण कुमार यादव आपको देखने को मिलेगा, सुमित्रा है उनका आपको देखने को मिलेगा, और ये एंड हो गए। इतने सारे आपको आई कार्ड है जो बन गए हैं, आप लोग इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नंबर है एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर आपको एक बार में नहीं मिला वैसे तो अपना तो हर कोई पहचान जाता है, दूसरे के ऊपर ध्यान होगा ना तभी अपना स्किप हुआ होगा, अगर दूसरे के ऊपर ध्यान होगा तभी स्किप हुआ होगा, वरना स्किप नहीं हो सकता है। और आप लोग क्या करना है, बस सिंपली आना है, और ये हमारा जो प्यारा सा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक अपना नाम, अगर आपने वही व्हाट्सएप है तो आपको सिर्फ हाय लिख देना है, और अगर आप दूसरे नंबर से अगर आप सेंड कर रहे हैं तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, बस आप लोगों को मिल जाएगा। और कोशिश करिए उसी व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करने की, तो बार बार हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, वरना हम चेक करेंगे फिर आपको सेंड करेंगे। तो इसी वजह से जो भी डिटेल मांगी जाए वो रियल दिया करिए। व्हाट्सएप नंबर आपने फोन करने वाला कि सर जी को फोन करने वाला नंबर दे देते हैं, व्हाट्सएप तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो क्या हुआ इससे समस्याएं आती हैं थोड़ी सी, तो जो चीज आपसे पूछी जाए वही आप दिया करिए। चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, अगर आप लोगों को लेक्चर तो है नहीं इन्फॉर्मेशन था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें, और क्लब आप लोगों को इतना कुछ प्रोवाइड कराते हैं तो आप लोगों का सपोर्ट बनता है, और अपने दोस्तों को भी हमारे क्लब से जोड़ें, और इसी तरह से हम लोग सभी लोग अच्छे से आगे बढ़ें।